नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मुकेश पंचोली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे। आज मैं लेकर आया हूं मेरे सभी प्यारे साथियों के लिए कंप्यूटर की पीढ़ियां, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जेनरेशन को एक ही वीडियो में ब्रीफ में कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और इसमें से एक प्रश्न या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पहली पीढ़ी जिसका कार्यकाल है आपका 1942 से 1955 तक, उसमें आपका देखिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया था। अगर भाषा की बात करूं तो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। मशीनी भाषा में आपके बाइनरी नंबर्स आते हैं, 0 और 1 आते हैं। इसकी स्पीड सबसे कम थी और आकार क्या था मेरे प्यारे साथियों, इसका बहुत बड़ा था। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए एनीवेक, यूनिवेक, एडसेक, एडवेक और मार्क वन इसके एग्जांपल हैं। अगर हम दूसरी पीढ़ी की बात करें तो 1955 से लेकर 1964 तक, इसमें मेरे प्यारे साथियों वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, चुंबकीय ड्रम की जगह आपके चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क का प्रयोग हुआ था और इसमें आपकी भाषा प्रयोग हुई थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा बेसिक या कोबोल। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आईबीएम 700, आईबीएम 1400, आईबीएम 1600 और सीडीसी 1604। फिर आती है आपकी तृतीय पीढ़ी जो 1964 से 1975 तक है, इसमें मेरे प्यारे साथियों ट्रांजिस्टर की जगह प्रयोग हुआ था आपका आईसी का। आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसकी हिंदी होती है आपकी एकीकृत परिपथ। क्या होती है एकीकृत परिपथ? चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क की जगह होता आपका मैग्नेटिक कोर का प्रयोग होता और इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। कहने का मतलब है इससे पहले वाले में उच्च स्तरीय लैंग्वेज थी लेकिन यहां उच्च स्तरीय थी लेकिन साथ में कैसी थी प्यारे साथियों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी आपकी, जो थी आपकी फोटोन। और इसके उदाहरण है आपके आईबीएम 370, हनीवेल, पीडीपी, यूनिवेक 1108। ध्यान दीजिएगा आईसी जो है प्यारे साथियों इसका आविष्कार किया था आपका जेएस किल्वी ने। आईसी का आविष्कार किया था जेएस किल्वी ने और आईसी जो बनी होती है प्यारे साथियों वो आपके सिलिकॉन की परत से बनी होती है। बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी की, ये पीढ़ी मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर इतिहास की क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी कहलाती है। इसका कार्यकाल है आपका 1975 से 1989 तक। इसमें आपका आईसी की जगह प्रयोग होता आपका वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो था आपका माइक्रो प्रोसेसर। स्टोरेज के लिए इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग हुआ था। देखिए इसके उदाहरण है आपका क्रेवन, डैक 10 और पीडीपी 11। उसके बाद सबसे अंतिम पीढ़ी आती है प्यारे साथियों 1989 से वर्तमान तक, जो कि आपकी पांचवी पीढ़ी है। इसमें आपका वीएलएसआई की जगह प्रयोग हुआ था आपका यूएलएसआई, बोले तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बोले तो कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। इसके उदाहरण है आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप और नोटबुक। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना का राजमार्ग की अवधारणा इस पीढ़ी को दी गई है। और एक बात कि भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित कंप्यूटर आपका आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया। कहां पर प्यारे साथियों? आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो सिस्टम प्रयोग होता है उसे हम नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से बहुत संतुष्टि मिली होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद साथियों।